जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 5 संतत्य तथा अवकलनीयता यानी कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंसिबिलिटी के क्वेश्चन नंबर 7 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में जो दिया हुआ है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9 का अवकलन तीन प्रकार से कीजिए। इसका अवकलन तीन प्रकार से करना है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है गुणनफल नियम का प्रयोग करके। तो गुणनफल नियम का मतलब प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन। तो चलिए इसी का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो यहाँ हम कर देते हैं और इसको हम y मान लेते हैं और फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं गुणनफल नियम से। तो अवकलन निकालेंगे dy by dx हो जाएगा और क्या होता है प्रथम फलन x square minus 5x plus 8 इंटू हो जाएगा दूसरे का अवकलन। देखिए अब यहाँ पर हम सीधे दूसरे का अवकलन करके लिख देते हैं तो x क्यूब का अवकलन होता है 3x स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 7, x का अवकलन हो जाएगा 1 और 9 का 0 हो जाएगा। तो प्रथम फलन दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन x क्यू प्लस 7x प्लस 9 दूसरा फलन और गुणे पहले का अवकलन। देखिए पहले का अवकलन क्या हो जाएगा तो x स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x और माइनस 5x, तो x का अवकलन 1 हो जाएगा और ये हो गया माइनस 5 और फिर 8 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0 हो जाएगा। तो ये पहला पार्ट इसका हो गया। अगर आप आवश्यक समझें तो इनका गुणा कर लीजिए, गुणा करके इसकी क्रिया कर लीजिए तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ये फर्स्ट पार्ट रहा। आप देखें जरा आप सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में दिया हुआ है गुणनफल के विस्तारण द्वारा एक एकल बहुपद प्राप्त करके। मतलब ये कहा जा रहा है सेकंड में कि इन दोनों का पहले आप गुणा कर लीजिए और गुणा करने के बाद फिर इसका अवकलन कीजिए। तो चलिए देखिए करते हैं। तो y इज इक्वल टू, पहले हम गुणा कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो x स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन होगा x टू द पावर 5 और प्लस हो जाएगा 7x क्यूब प्लस हो जाएगा 9x स्क्वायर। तो अभी हम x स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन किए थे, अब हम माइनस 5x का करेंगे। तो माइनस 5x टू द पावर 4 हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा 35x स्क्वायर और फिर ये हो जाएगा माइनस 45x और फिर 8 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा आपका 8x क्यूब और फिर हो जाएगा ये आपका 56x और ये हो जाएगा 72। अब फिर इसको y इक्वल टू देखिए एक जगह करते हैं फिर। तो ये है x टू द पावर 5 और देखें ये है माइनस 5x टू द पावर 4। अब क्यूब देखिए तो ये है 7x क्यूब और ये है 8x क्यूब। तो 7 और 8 हो जाएगा, ये हो गया 15x क्यूब। अब फिर स्क्वायर पे आइए तो ये देखिए ये 9x स्क्वायर माइनस 35x स्क्वायर, माइनस कर लीजिए तो ये 26x स्क्वायर हो जाएगा। 35 में से आप 9 माइनस कर दीजिए। और फिर इसके बाद हम x को देखते हैं तो x देखिए यहाँ है और फिर यहाँ है तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11, 56 और माइनस 45 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 11x और प्लस ये बचा है आपका 72। तो प्रश्न में आपसे कहा जा रहा था गुणनफल के विस्तारण द्वारा एक एकल बहुपद प्राप्त करके। तो देखिए एकल बहुपद हम प्राप्त कर लिए, अब हमको यहाँ से अवकलन करना होगा। तो dy by dx इज इक्वल टू,
अब यक्स टू द पावर 5 का अवकलन करेंगे तो ये 5x टू द पावर 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 20x क्यूब, अवकलन कर रहा हूँ, और ये हो जाएगा 15 + 3 = 45 हो जाएगा, 45x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 26 × 52 −52x हो जाएगा, अब प्लस हो गया 11। एक चीज़ हम पहले बता दे रहे हैं, ये जो हम लोग फर्स्ट पार्ट में अवकलन किए हैं ना, अगर अवकलन करने के बाद इनका हम मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करें ना, तो सॉल्व करने के बाद उसका भी सलूशन यही आएगा, आप करके देख लीजिएगा। अब इसके बाद हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। देखिए थर्ड पार्ट में आपसे क्या कहा जा रहा है, लघुगणकीय अवकलन द्वारा, यानी लॉगरिथम लेकर के इसका अवकलन करना है। तो देखिए ये y इक्वल टू इतना माना गया है तो इसका हम लॉग ले लेंगे। देखिए दोनों पक्षों का लॉग लेते हैं तो लॉग y इक्वल टू, देखिए ये गुणा है और गुणे का लॉग लेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका लॉग x स्क्वायर −5x + 8 और प्लस हो जाएगा लॉग एक्स क्यूब +7x + 9। ये हो गया। अब हम लोग इसका अवकलन लें तो अवकलन लेते हैं तो लॉग वाई का अवकलन यहाँ लिख दिया जाएगा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो लॉग वाई का अवकलन हो जाएगा 1/y और वाई का करेंगे तो dy/dx हो जाएगा। अब ये है लॉग एक्स, इसको मान सकते हैं तो लॉग एक्स का अवकलन 1/x होता है, तो ये हो जाएगा 1/x² −5x + 8। अब फिर इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा −5, 8 का 0 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर आवे तो अगर इसको यक्स माना जाए तो 1/ हो जाएगा, ये हो गया 1/x³ + 7x + 9। और फिर जो है अगर आप इसका अवकलन निकालें तो ये हो जाएगा 3x² + 7, फिर ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू वाई का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 2x − 5/x² − 5x + 8 और प्लस ये हो जाएगा आपका 3x² + 7/ हो गया x³ + 7x + 9। अब देखिए y की वैल्यू रख करके हम y से यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, फिर क्या मिलेगा आपको dy/dx इज इक्वल टू वाई की वैल्यू रखते हैं तो y की वैल्यू है आपका x²−5x + 8 और ये है x³ + 7x + 9 और फिर ये हो जाएगा यहाँ पर 2x − 5/x² − 5x + 8 और प्लस ये हो जाएगा 3x² + 7 और ये हो गया x³ + 7x + 9। अब इसके बाद जो है इसका हमको मल्टीप्लिकेशन कर देना है। अब मल्टीप्लिकेशन करना है इसका, यहाँ अंदर मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे तो फिर देखें हमको क्या मिलेगा, ये है आपका dy/dx इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ज़रा देखिए यहाँ जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये x²−5x + 8 से x²−5x + 8 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका x³ + 7x + 9 और 2x − 5 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका x³ और प्लस हो गया 7x + 9 और दूसरे ब्रैकेट में जो होगा ये हो जाएगा आपका 2x − 5। और फिर इसके बाद अगर दूसरे वाले की हम क्रिया करेंगे तो देखें इसका जब अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x³ + 7x + 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका x²−5x + 8, यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं तो प्लस ये हो जाएगा आपका x²−5x + 8 और फिर यहाँ साथ में बच जाएगा आपका 3x² + 7। तो तीनों तरीकों से
पहले तरीके से आपका आंसर ये आया, दूसरे तरीके से आंसर ये आया, तीसरे तरीके से आंसर ये आया। अब फिर आपसे पूछा जा रहा है लास्ट में कि यह भी सत्यापित कीजिए कि इस प्रकार प्राप्त तीनों उत्तर समान है। तो जरा देखिए, अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन किए होते ना, आप करके देख लीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन किए होते तो इतना ही आता जितना कि हमारे सेकंड में आ रहा है। और दूसरी चीज़ हम आपको बता दें कि अगर यहाँ से हम कंपेरिजन कर लें पहले और थर्ड वाले का, तो देखें जो पहले में है, ये देखिए एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन, ये वाला पार्ट पहले आ गया है और ये वाला जो पार्ट है वो बाद में आ गया है, उसका भी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो सेम हो जाएगा। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि सत्यापित कीजिए, तो आप बता देंगे, लिख देंगे कि तीनों पार्ट यानी तीनों विधियों से अवकलन करने पर इसका मान समान आ रहा है, अतः यह सत्यापित होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है कि यदि यू भी डब्ल्यू एक्स का फलन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वाई इज इक्वल टू यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू दिया हुआ है। तो आपसे कहा जा रहा है कि यदि यू भी तथा डब्ल्यू एक्स का फलन है, तो दो विधियां अर्थात प्रथम गुणनफल नियम की पुनरावृत्ति द्वारा और द्वितीय लघुगणकीय विधि द्वारा सिद्ध कर दीजिए। यानी गुणनफल विधि से हमको सिद्ध करके बताना है कि इसका अगर हम लोग डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालें तो वो वैल्यू इतनी आएगी, और फिर लॉगरिथमिक मेथड से भी हमको बताना है कि इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट इतना ही आएगा। तो चलिए हम प्रथम विधि यहाँ अपनाने जा रहे हैं, प्रथम विधि यानी गुणनफल विधि द्वारा। तो देखिए गुणनफल विधि से अवकलन करने के लिए हम कर क्या रहे हैं कि U को प्रथम फलन मान ले रहे हैं और भी W को द्वितीय फलन मान ले रहे हैं। तो चलिए हम U भी W का अवकलन निकालते हैं, X के रिस्पेक्ट में अवकलन निकालना है, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू हो जाएगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, प्रथम फलन दूसरे का अवकलन d बाई डी एक्स वी इंटू डब्ल्यू प्लस हो जाएगा दूसरा फलन वी इंटू डब्ल्यू, और पहले का अवकलन हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स। अब चलिए फिर इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, तो d बाई डी एक्स यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू यू। अब जरा हम यहाँ आते हैं, यहाँ भी दो फलन हो गए और दो फलनों का हम लोग अवकलन निकालेंगे, तो इसको ये प्रथम फलन हो गया, ये द्वितीय फलन हो गया, तो प्रथम फलन दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन पहले का अवकलन ये हो गया, और फिर ये हो जाएगा आपका प्लस ये वी डब्ल्यू वी डब्ल्यू और डी यू बाई डी एक्स। अब इसको जो है हम सही तरीके से लिख सकते हैं, ये यू नहीं बल्कि ये वी है। अब इसको हम सही तरीके से लिख दें तो फिर देखें क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स और ये हो गया आपका U इंटू वी इंटू डब्ल्यू। चलिए देखें, हम यहाँ पर सबसे पहले जो है ये लास्ट वाले टर्म को लिख रहे हैं, क्योंकि प्रूफ में लास्ट वाला टर्म पहले आ रहा है, तो यहाँ हम लिख देते हैं डी यू बाई डी एक्स और ये लिख देते हैं वी इंटू डब्ल्यू। अब इसके बाद डी वी बाई डी एक्स वाला पद लिखेंगे, तो देखिए डी वी बाई डी एक्स यहाँ है, यू का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो प्लस यहाँ यू और फिर ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स इंटू डब्ल्यू हो जाएगा, और फिर यू का ये सेकेंड ये फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका यू इंटू वी और ये हो जाएगा आपका डी डब्ल्यू बाई डी एक्स।
तो इस प्रकार जो है ये फर्स्ट मेथड से हम लोगों को जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। अब इसके बाद सेकंड मेथड द्वितीय विधि, तो द्वितीय विधि क्या है, ये सेकंड मेथड क्या है, इसको हम लोगों को देखना है। देखिए द्वितीय विधि में लॉगरिथम लेकर के सॉल्व करना है, तो लॉगरिथम ले लेते हैं और तीनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो आपको मालूम है कि जब हम लॉग लेते हैं तो मल्टीप्लिकेशन प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो चलिए हम लॉग ले लेते हैं। तो ये हो गया आपका लॉग वाई इज इक्वल टू यू भी एक्स है, तो ये हो जाएगा लॉग यू प्लस हो जाएगा लॉग वी और प्लस हो जाएगा लॉग डब्ल्यू। अब हम अवकलन कर लेते हैं, तो चलिए अवकलन करते हैं, तो लॉग वाई का हो जाएगा वन बाई वाई और वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, लास्ट में वाई की वैल्यू हम लोग रख देंगे यहाँ पर। और फिर देखें लॉग यू का हो जाएगा वन अपॉन यू और यू का डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स, प्लस लॉग वी का हो जाएगा वन अपॉन वी और फिर वी का हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स, फिर लॉग डब्ल्यू का हो जाएगा वन अपॉन डब्ल्यू और फिर ये हो जाएगा डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। अब हम वाई का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो अब ये हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हो गया वाई और फिर ये हो गया वन अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स, प्लस हो जाएगा ये आपका वन अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स और प्लस हो जाएगा वन अपॉन यू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। अब देखिए जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ यू वी डब्ल्यू हम रख देंगे, तो फिर ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू यू वी डब्ल्यू। तो देखिए एक काम करते हैं, यहीं पर एक स्टेप हम कर लेते हैं कि y की वैल्यू रख करके अंदर हम मल्टीप्लिकेशन भी कर देते हैं, तो y के जगह पे हो जाएगा u भी w इंटू वन अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स, फिर y की वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा u भी w इंटू वन अपॉन वी, ये हो गया आपका डी वी बाई डी एक्स, फिर हो जाएगा ये आपका u भी w इंटू वन अपॉन यू और ये हो जाएगा डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। तो इसको सॉल्व करते देखिए यू से यू कैंसिल हो जाएगा, फिर भी से भी कैंसिल हो जाएगा और फिर जो है यहाँ पर लास्ट वाला जो टर्म था ये डब्ल्यू है, यहाँ पर ये डब्ल्यू है तो डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये टर्म फिर बिल्कुल वही आ गया, यहाँ पर जो पहले वाले में आपने देखा था y के जगह पे, देखिए y के जगह पे हमको लिखना था u भी w, तो ये हो गया d बाई डी एक्स और ये हो जाएगा u भी w इज इक्वल टू, तो देखिए फिर मिल रहा है भी w इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, ये फर्स्ट पार्ट मिल रहा है, फिर इसके बाद ये यू डब्ल्यू इंटू डी वी अपॉन यू डब्ल्यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, ये आपको सेकेंड पार्ट मिल रहा है और फिर यू भी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स ये थर्ड पार्ट मिल रहा है। तो इस प्रकार जो है ये प्रथम विधि यानी गुणनफल विधि से भी हमने सॉल्व कर लिया और यहाँ लॉगरिथमिक विधि से भी हमने सॉल्व कर लिया। आप चाहें तो एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पर इसको हम अगर सही तरीके से लिख लें तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स यू भी डब्ल्यू इज इक्वल टू, फिर इसको अगर हम लिखते हैं तो ये पहला टर्म आएगा आपका डी यू बाई डी एक्स और हो जाएगा भी डब्ल्यू और फिर सेकेंड जो टर्म आएगा उसमें u और ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स डब्ल्यू हो जाएगा और फिर जो थर्ड टर्म आएगा उसमें यू भी और ये हो जाएगा डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। तो इस प्रकार आप यहाँ से भी देख रहे हैं कि ये सॉल्व होता है, ये दैट प्रूफ आप लिख देंगे लास्ट में
तो इस प्रकार ये जो प्रश्नावली 5.5 थी, प्रश्नावली 5.5 इम्पॉर्टेंट प्रश्नावली थी, और ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है, ये क्वेश्चन नंबर 18 कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको आप अच्छी तरह से तैयार रखे रहेंगे। वैसे ये जो पूरी प्रश्नावली ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से हर साल आप देखिएगा बोर्ड के एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से जरूर रहता है, तो इसको आप अच्छी तरह से कंप्लीट किए रहेंगे। अब इसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो बनेगा तो हम लोग एक्सरसाइज 5.6 को करेंगे, और फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।